हाय एवरीवन, दिस इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोराजीन। बोराजीन जो है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है, मतलब आपको जो है इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि बोराजीन है क्या, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। इतना आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको MSc फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में मिल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी ये आते हैं। तो बोराजीन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस सबसे हम देखते हैं बोराजीन क्या कहलाता है। बोराजीन बोराजीन इज अ पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला B3S6N3। ठीक है, पहला एक टॉपिक समझ एक पॉइंट समझते हैं कि बोराजीन जो है इज अ पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है B3S6N3। इसका केमिकल फार्मूला सिंपल सबको याद रखना है। इन दिस साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। इसलिए इन द साइक्लिक कंपाउंड द 3BH यूनिट एंड 3NH यूनिट अल्टरनेट। हाँ, स्ट्रक्चर से ही आपको पूरा ये डेफिनेशन पता चलेगा। जो इसका BH यूनिट है और NH यूनिट है, ये अल्टरनेट मतलब बारी बारी से एक के बाद एक लगे होते हैं, जिससे साइक्लिक जो है स्ट्रक्चर बनता है। द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ये जो कंपाउंड है बोराजीन जो कंपाउंड है वह जो है बेंजीन से काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। आइसो स्ट्रक्चर के हो या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो है काफ़ी उससे समानता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए फॉर दिस रीजन बोराजीन इज समटाइम रिफर्ड टू एज इनऑर्गेनिक बेंजीन लाइक बेंजीन। इसीलिए जो है बोराजीन कभी कभी जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन की तरह रिफर किया जाता है, एंड जैसे कि बेंजीन से बहुत समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए बोराजीन को कभी कभी बेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, बोराजीन इज अ कलरलेस। ठीक है, ये टॉपिक्स छोटे बहुत, ये थोड़ा बहुत जो है ये मेन मेन फैक्ट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कलरलेस है बोराजीन इज अ कलरलेस। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में इसका पढ़ा है उसी हिसाब से स्ट्रक्चर है कि जो BH 1BH यूनिट 2BH यूनिट 3BH यूनिट एंड 1NH यूनिट 2NH एंड 3NH ये अल्टरनेट है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे हैं बने हुए हैं। और ये जो है एक साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोराजीन का केमिकल फार्मूला B3S6N3 है। ठीक है, अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका हम सिंथेसाइज, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो बोराजीन इज अ सिंथेसाइज फ्रॉम द डाइबोरेन एंड अमोनिया इन 1:1:2 एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड विथ अ कन्वर्जन ऑफ 50%। मतलब सिंथेसाइज इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बोराजीन को हम डाइबोरेन के द्वारा प्राप्त करते हैं। डाइबोरेन और अमोनिया का एक अनुपात दो अनुपात एक अनुपात दो में लेकर उसको 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं, तो हमको जो है बोराजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो है हम देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे प्राप्त करते हैं। तो बोराजीन प्राप्त करने के लिए देखिए, हमने पहले ही कहा था 3B2S6 जो डाइबोरेन लेंगे और साथ ही साथ उसका अमोनिया के साथ उसका रिएक्शन होगा 6NS3, मतलब 1:2 में हम इसको ले रहे हैं, 1:2 में ले रहे हैं और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, तो हमको B3S6N3 मतलब कि हमको प्राप्त हो गया हमारा बोराजीन। ठीक है, और साथ ही साथ H2 12H2 भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम 3LiBH4 + 3NH4Cl से भी हमको बोराजीन प्राप्त होता है B3S6N3 एंड 3LiCl + 9H2। इस प्रकार हम इसको जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं बोराजीन को। दो मेथड है, दो रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज एक इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टीज जानना। बोराजीन का प्रॉपर्टीज है इट्स अ कलरलेस लिक्विड विद एरोमेटिक स्मेल। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड है, हमने पहले भी पढ़ा था, और एरोमेटिक स्मेल होता है इसमें। एरोमेटिक है ये, तो इसमें एरोमेटिक स्मेल है। इन वाटर इट हाइड्रोलाइज, हाँ पानी में ये घुल जाता है टू बोरिक एसिड अमोनिया एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ठीक है, ये वही बोल रहा है कि वाटर इन वाटर एट अगर हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसमें घुल जाता है। इस सिंपल सा प्रॉपर्टीज हैं, कलरलेस है, एरोमेटिक स्मेल है। इस प्रकार इसको सिंथेसाइज किया जाता है बोराजीन को। और ये बोराजीन का आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार बोराजीन टॉपिक अगर 2 नंबर 3 नंबर 5 में भी आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका सिंपल सिंपल पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये किससे समानता प्रदर्शित करता है, ये कैसा है, कलरलेस है, क्या है, स्ट्रक्चर है, इसका केमिकल फार्मूला याद रख सकते हैं। इस प्रकार बोराजीन जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि ये टॉपिक जो है
आपको क्लियर हुआ हो और थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ हो आपके सेमेस्टर एग्जाम में या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।